बट जब तक आप लोगों का वीजा नहीं आता, आप लोगों को इतने पैसे रखने ही रखने हैं कि हमारे प्रॉपर्टी के कागजात कैसे हैं। अब तो शार भाई हम तो वो दे देंगे जो भाई एजेंट बोलेगा, तूने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम चैनल भाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजंस जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का वीजा कैंसिल हो सकता है। और अभी मैं एक पार्क में आया हूँ, बिल्कुल मुंह पे धूप आ रही चटक सी, तो मेरी आंखें बंद होगी तो थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है? बातें सुनो, इधर देखना, ठीक है? आप लोगों ने बातें यहाँ से मतलब सुननी कुछ नहीं, आप लोगों ने मेन बातें सुननी है। मत बोलना तुषार भाई आपकी आंखों में फर्क है, आपको एक आंख बंद हो रही है आपकी, धूप के अंदर ट्रेन जा रही है, कितना मस्त व्यू नहीं है? ऐसे पार्क है यहाँ पे, ग्रीनरी है इधर, ट्रेन नहीं, मस्त नहीं है, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट टाइम और अच्छा व्यू ढूंढेंगे। स्टूडेंट का वीजा कैंसिल हो सकता है, जिस चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग फॉर योर स्टूडेंट वीजा हेयर इन ऑस्ट्रेलिया और सब क्लास 500। तो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है हमारे दिमाग में कि भाई वीजा आएगा कि नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट सही गए हैं कि नहीं। काफी सारे एजेंट्स हैं इंडिया में और यहाँ पर भी जो लोग आपको लेंगे, ये डॉक्यूमेंट दे दो, ये चीज दे दो, ये चीज दे दो, उसके बाद आप लोगों का वीजा आ जाएगा। बट फिर भी हमारे दिल में ऐसे ना दिल धड़कता रहता है कि आएगा कि नहीं, है ना? जब तक वीजा नहीं आ जाता टेंशन बहुत ज्यादा हाई रहती है, भगवान से खूब ज्यादा प्रार्थना करते हैं। तो वो सारे रीजन जिसकी वजह से आप लोगों का वीजा कैंसिल हो सकता है वो मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पीछे घूम लिए हैं, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियो एजुकेशनल अकॉर्डिंग, ठीक है, और लोगों की हेल्प हो जाए, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर वन रीजन इज इम्प्रॉपर पासपोर्ट, ठीक है? योर पासपोर्ट शुड बी इशूड इन द पास्ट 10 ईयर्स। जब आप लोग स्टडी अपनी अप्लाई कर रहे होते हो, आप लोगों का पासपोर्ट जो होता है वो पिछले 10 सालों के अंदर इशू होना चाहिए, ठीक है? वो तो वैलिड सी है, मतलब ये पॉइंट्स है कुछ कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो होंगे ही, प्लस आप लोगों की जब स्टडी खत्म हो रही होती है उसके बाद आपका पासपोर्ट 6 महीने तक होना चाहिए एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 2023 में अभी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फॉर जून इनटेक, जुलाई इनटेक, तो आप लोगों का पासपोर्ट इशू हो ही रखा होगा। बट आप लोगों की स्टडी फॉर एग्जांपल 2 साल की है, तो आपको जो पासपोर्ट होना चाहिए वो 2 साल 6 महीने एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों को अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। यार मेरी आंखें बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप लोगों के जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है आपको उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और एक्सपायरी डेट अपने पासपोर्ट की चेक कर लेना। प्लस अगर आप लोगों के पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वीजा ऑफिसर आपका वीजा कैंसिल कर सकता है, ठीक है? तो द सेकंड पॉइंट इज इनकम्प्लीट और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? जब आप लोगों की सीओई आ जाती है तो उसके बाद आप लोगों का वीजा अप्लाई होता है, उसके अंदर आप लोगों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल ITR रिपोर्ट्स, CA की रिपोर्ट्स, लोन सैंक्शंस, अगर आप लोग एजुकेशन लोन लेकर आ रहे हो तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा, ठीक है, आगे जाके, अभी इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट के बारे डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कोई थोड़ा सा जालीपना है या फिर कुछ खराबी है, ठीक है, तो आप लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों का वीजा कैंसिल हो जाए अगर आप लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते हो। दैट्स वन ऑफ द रीजंस एज वेल कि आप लोगों का वीजा कैंसिल हो सकता है, ठीक है, वीजा लगेगा ही नहीं। अब तो शार भाई हम तो वो दे देंगे जो भाई एजेंट बोलेगा, हम वैसे ठीक नहीं है क्या? तो भाई ठीक बात है, बट अगर आप लोगों के दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, ठीक है, खुद से, तो वेरीवंस एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप लोग जाके अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से वेरीफाई कर सकते हो रिलेटिव स्टडीज हेयर इन ऑस्ट्रेलिया और इन एनी अदर कंट्री एज वेल। आप लोग वहां पे जाके क्या करना है, अपने ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वन बाय वन। और आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करने हैं, सीधा जाना है वेरीवंस पे, ठीक है, मतलब गूगल पे लिखना है वेरीवंस, लिख दिया आपने, उसके बाद आप लोगों ने सीधा यहाँ पे क्लिक करना है वेरीवंस की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, उसके बाद यूजेस कॉन सॉल्यूशंस क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, और यहाँ पर आप लोगों को जाके अपने आपको रजिस्टर कर देना है, ठीक है, रजिस्टर नाउ लिखा है, तो सीधा अपना अकाउंट क्रिएट करो, फिल इन द बेसिक डिटेल्स, अपलोड योर प्रिंटेड क्रेडेंशियल्स टू प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप लोग अपलोड करोगे उसके बाद आपके पास लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आ जाएगी, आप लोगों को कौन से लेवल पे वेरीफाई खुद से करना है, उसके बाद आपके सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, और उसके बाद आपको खुद से पता लग जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने लायक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो और आप लोगों का गैप है स्टडीज के बीच में और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड कर रहे हो, जैसे पे स्लिप्स अपलोड कर रहे हो या फिर आप लोगों के सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन अपलोड कर रहे हो जो आप लोगों को आपकी जॉब से मिली होगी, एग्जाम्पल आप लोगों ने जॉब करी है उस गैप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गैप का बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपने गैप कैसे प्रूफ कर रहे हो कि आपने उन बैचलर्स के बाद 2 सालों में क्या किया, 3 सालों में क्या किया, जितना भी आपका गैप था। तो आप लोग वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई खुद से कर सकते हो, एंड वेरीवेंस के बारे में मैंने डिटेल में बता ही दिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप लोग वेरीवेंस की वेबसाइट पर जाके खुद से चेक कर सकते हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। सो लेट्स कम ऑन टू द थर्ड पॉइंट। तो जो अगला पॉइंट है वो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जब आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हो तो यू नीड टू एग्जैक्टली शो द एंटायर अमाउंट, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ योर पेरेंट्स इनकम, कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में कितने पैसे आप लोगों के पास और आप लोग अपना लिविंग कॉस्ट बेयर
कर पाओगे कि नहीं। तो आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी पेरेंट्स की इनकम शो करनी होती है, और आप लोग अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन लेकर आ रहे हो तो आप लोगों को एग्जैक्ट अमाउंट एजुकेशन लोन का कि भाई ये मेरा इतने का एजुकेशन लोन है, मेरी फीस इतनी है, तो पूरा पूरा ही है एग्जैक्ट आप लोगों को सारी चीजें शो करनी होती है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर भी आके अगर हम लोग जैसे असाइनमेंट वगैरह हम लोग सबमिट करते हैं, हम लोग अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो तब भी दिक्कत हो जाती है। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो आगे तक भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। बट जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो, एग्जैक्ट सेविंग्स, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट लोन, और जो भी चीजें है ना, ऑनेस्ट होके एग्जैक्ट आप लोगों को प्रूव करनी है। सीए के पास भी जाना होता है हम लोगों को वीजा अप्लाई जब हम करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के कागजात कैसे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी कितनी वैल्यू करती है, तो सारी चीजें आप लोगों को एग्जैक्ट दिखानी होती है गवर्नमेंट को, इस चीज का भी ध्यान रखना। फेलियर टू सबमिट एडिशनल रिक्वेस्ट, जब आप लोग वीजा अप्लाई कर रहे होते हो ना, मैं सही बैठ जाता हूँ, जब आप लोग वीजा अप्लाई कर रहे होते हो तो जो गवर्नमेंट है ना, कभी कभी आप लोगों से एडिशनल रिक्वेस्ट मांगती है कि भाई तेरा ये कमी है तो ये भेज दे, या तूने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया ये भेज दो। अगर आप लोगों ने वो प्रोवाइड नहीं किया और आप लेट हो गए, आप बोलो अरे मैंने तो मेल ही नहीं देखी, नहीं भाई, आप लोगों को उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर वो लोग आपसे कभी भी रिक्वेस्ट मांग सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं पहले जब मैं टूरिस्ट वीजा पे आया था एक बार ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए 2017 में, उन लोगों का खुद कॉल आया था, मेरा ना 2 महीने तक टूरिस्ट वीजा आया नहीं था। चलो थोड़ी सी अलग बात है ऑफ द टॉपिक, पर समझ जाओ। तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने मेरे को कॉल किया था 2 महीने में, ऐसे ही रैंडम कहीं से भी नंबर से फोन आ गया। मैं तो वैसे उठाते नहीं था, वोडाफोन वाली आंटियों का फोन आते थे उल्टे सीधे, ऐसे फोन आया कि भाई आपने वीजा अप्लाई किया, मैंने कहा हाँ, तो फादर की इनकम कितनी है। अब वो ना डबल चेक कर रहे होते हैं कि तुमने लिखवाई कितनी है और तुम्हारी है कितनी एग्जैक्ट। तो पापा साइड में बैठे थे, मैंने सब कुछ बता दिया उन लोगों को, उन लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कभी कभी डबल चेक करते हैं वो लोग। तो आप लोगों को उस चीज का भी ध्यान रखना है कि कभी गलती से भी एम्बेसी से कॉल आ जाएगा, वैसे आप लोगों को आपका एजेंट बता देगा कि आज कॉल आ सकता है या कभी कॉल आ सकता है, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर वो लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट ऑन टाइम एज वेल। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है इनसफिशिएंट फाइनेंसेस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में लिविंग एक्सपेंस जो हम लोगों को शो करना होता है वो होता है 21,041 डॉलर्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अगर आप लोग वो शो करते हो और अगर वो इनसफिशिएंट होता है या वो 21,000 से कम होती है, आप लोग वो पूरी नहीं करते, तो आप लोग के चांसेस है वीजा कैंसिल होने के। आपको मेरी इस चीज में सलाह क्या होगी, अगर आप लोग जब शो करते हो ना अपने फंड्स, मान लो कि किसी के आपको रिलेटिव से शो करनी है, तो आप लोग अपना रिलेशन प्रूव करना होता है उनसे कि आप लोगों का ब्लड रिलेशन कैसे है, जैसे पापा के भाई है या फिर मम्मी की साइड से कोई है, तो आप लोगों को रिलेशन शो करना होता है कि भाई ये मेरे को कर रहे हैं स्पॉन्सर और ये इनकी FD है, ये वो सेविंग्स है, ठीक है, ये सब आप लोग शो कर सकते हो। आप लोगों को उनको बोलना है, या जैसे आप लोग अपने पापा के फंड शो कर रहे हो, पापा के या मम्मी के फंड शो कर रहे हो, आप लोगों को अपने फंड्स उसके अंदर उतने रखने हैं जब तक आप लोगों का वीजा नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे आप लोगों को वीजा आता है आप लोग फंड्स उसमें से प्लस माइनस कर सकते हो, बट जब तक आप लोगों का वीजा नहीं आता आप लोगों को इतने पैसे रखने ही रखने हैं। अब भाई तुषार भाई 21,000 डॉलर की, तो भाई मैंने तो नहीं लिखे, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, इतने लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो आप लोगों को रखने ही रखने हैं अपने अकाउंट में। और ये लिविंग एक्सपेंस होते क्यों है कि भाई ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं कभी भी कोई दिक्कत आए तो भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तू खुद अपने आप को संभाल सकता है, ठीक है, तेरे पास पैसे हैं, तूने तो हमको दिखाया था, यहाँ पे आके तू बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये चीजें होती हैं जिस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हाँ, वेरिवंस की वेबसाइट नीचे अपने डॉक्यूमेंट्स जाके वेरीफाई कर सकते हो इजीली, और ये बड़ी कूल सी चीज लगी, ठीक है, मैंने ऐसे पहले नहीं देखा था, पहले होता तो भाई मैं खुद भी कर लेता अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, वीजा कैंसिल हो जाए ऐसी टेंशन ही ना हो। तो वेरिवंस की वेबसाइट नीचे है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आप लोग वीडियो नीचे लगी तो लाइक कर देने की जरूरत है, सब्सक्राइब कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न फॉर इंडिया। और भाई थैंक्स टू नोनू हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, भाई बैठा तब से नीचे इधर। 6 पॉइंट है, कैसे बैठा हूँ मैं, फेलियर टू क्या था, भूल गया मैं।